हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं लगातार BFUHS पंजाब स्टेट काउंसलिंग की। फाइन, एंड आज संडे को इतने न्यूमरस ऑफ क्वेरीज एक ही बात के हैं जिस चीज के ऊपर हम बात करेंगे, और वो है मुद्दा डबल डोमिसाइल। इतने ज्यादा न्यूमरस ऑफ कमेंट्स आ रहे हैं, इतने ज्यादा न्यूमरस ऑफ मैसेजेस, ईमेल्स, पेरेंट्स के, स्टूडेंट्स के, वो लिस्ट के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। देखिए, लेट मी टेल यू, हर स्टेट के अपने कुछ डोमिसाइल के नॉर्म्स होते हैं, ठीक है ना, जिससे आप उस स्टेट के रेजिडेंट कहलाते हैं, ठीक है ना। वो कुछ भी हो सकते हैं कि अगर आप उस स्टेट में पैदा हो रखे हो, अगर आप उस स्टेट में कितने साल स्कूलिंग कर चुके हो, या आप उस स्टेट में कितने साल से आपके फादर मदर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, या आपने 11 12th कहाँ से करी है। तो देर आर न्यूमरस ऑफ नॉर्म्स जिसके कारण ऐसा हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा स्टेट में एलिजिबल आ रहे हो। जैसे मान लीजिए कोई भी बंदा है जो राजस्थान का रहने वाला है, बर्थ राजस्थान का है, पंजाब में रह रहा है पिछले कितने सालों से, हो सकता है कि उसके पास डबल डोमिसाइल हो। डबल डोमिसाइल होल्ड होना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना, बट अकॉर्डिंग टू द मतलब रूल्स ऑफ MBBS एडमिशंस, आप जो स्टेट के अंदर जो देखिए 3% तीन तरह की सीटें हैं, 100% कोटा जो होता है, जैसे एम्स में 100% सीट्स जो हैं वो कोई भी भर सकता है। सेकंड होता है जो स्टेट में, जैसे ये स्टेट के कॉलेजेस हैं, जैसे हमारा GMC है, उसमें 85% जो सीट्स हैं वो स्टेट कोटा के थ्रू भरती हैं, एंड 15% सीट्स जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरती हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे GMCH में यहाँ पे पंजाब के, पंजाब एक क्लोज स्टेट है, अगर यहाँ के GMC को आपको लेना है और आप पंजाब के रहने वाले हो, तो यू आर क्लेमिंग 85% ऑफ द सीट्स। 750 टोटल सीट्स हैं जिसमें से आप 637 के ऊपर ही क्लेम कर रहे हो, ठीक है ना। यानी कि जो 15% बनती हैं इनकी सीट्स, आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, उस पर क्लेम कर सकते हो थ्रू ऑल इंडिया काउंसलिंग ही, MCC के थ्रू आप उस पर क्लेम कर सकते हो। हो सकता है आप पंजाब के ही हो, फिर भी अगर आपको उन 15% कोटा के अंदर सीट लेनी है तो आपको MCC के थ्रू जाना पड़ेगा। क्लियर। अब कोई भी बच्चा अगर बाहर की स्टेट का पंजाब में सीट लेना चाहता है तो वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू MCC में सीट ले सकता है, और पंजाब के बच्चे खुद स्टेट काउंसलिंग के थ्रू और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी पंजाब में सीट ले सकते हैं पंजाब के बच्चे। फाइन। तो न्यूमरस ऑफ कॉल्स, मैसेजेस, ईमेल्स जिस चीज़ के आ रहे हैं वो ये है कि बच्चे कंपेयर कर रहे हैं UP की, MP की, हिमाचल की, राजस्थान की, इनकी मेरिट लिस्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और न्यूमरस ऑफ डाटा जो है वो डुप्लीकेसी में निकल रहा है। पहले भी ऐसा हुआ है कि BFUHS ने वो बच्चे जिनके पास डबल डोमिसाइल है उन्हें डिबार किया है। डबल डोमिसाइल एलिजिबल हो आप दूसरी स्टेट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अप्लाई सिर्फ एक ही स्टेट में कर सकते हो, ये ऐसा रूल है। और ये आपने जब फॉर्म भरा होगा तो सबसे पहले स्वान डिक्लेरेशन जो भरते हैं वो इसी चीज को कहते हैं। स्वान डिक्लेरेशन का मतलब ही ये है कि वी आर अप्लाइंग जस्ट इन वन स्टेट। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो CMC लुधियाना है उसकी ऑल इंडिया कोटा की जो सीटें हैं वो जो है BFUHS के अकॉर्डिंग भरेंगी, तो ये क्या ये जितने भी इतनी स्टेट्स के बच्चे हैं, आर दे अप्लाइंग फॉर CMC, आर दे अप्लाइंग फॉर एनी मेनोरिटी सीट इन SGRD और CMC, कि वो उधर अप्लाई नहीं कर रहे हैं और इधर की मेनोरिटी सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्यों दो स्टेट्स में डाटा दिख रहा है, न्यूमरस ऑफ डाटा है जो दोनों स्टेट्स में दिख रहा है, और बहुत सारे बच्चों ने लिस्ट बना के कितने न्यूमरस ऑफ कमेंट्स। अगर आपको भी ऐसा कुछ दिखता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बट ये एक गलत चीज़ है और इससे हमारी कट ऑफ को थोड़ी सी, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो BFUHS पहले भी 2023 में भी ऐसे बच्चों पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले चुका है, तो इससे पंजाब के बच्चों को थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। इट कैन बी अ रिलीफ अगर ऐसा कुछ भी होता है तो। क्लियर। तो इसके बारे में कुछ भी बात है हम आगे फर्दर बात करते रहेंगे और कुछ भी होगा। फिलहाल अब डबल डोमिसाइल के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो, बट यू कैन अप्लाई जस्ट इन वन स्टेट, दिस इज अ रूल। सो बेसिकली दिस वॉज एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग डबल डोमिसाइल। इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।